आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी इससे आप इस फटी एरियों की समस्या को हमेशा के लिए और पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सर्दी के मौसम आते ही स्किन से जुड़े हुए बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ड्राइनेस जो है इंक्रीज हो जाती है, हाइड्रेशन बॉडी का कम हो जाता है, पानी पीना हम कम कर देते हैं, ल्यूब्रिकेशन बॉडी का कम हो जाता है, तो एक्सटर्नल जो स्ट्रोक होती है विंड की या ठंड की, उसके वजह से वो मॉइस्चर को खींच लेता है। इसमें स्किन तो ड्राई होती ही होती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ऐसे टाइम में एरियों का फटना, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही ये एरियों का फटना दिखा जाता है। और ऐसे टाइम में लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं होता। मार्केट से कुछ चीजें हम खरीद कर लाते हैं लेकिन उसमें केमिकल भी बहुत ज्यादा होता है जिसका साइड इफेक्ट अपना होता है। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आज हम इसी फटी एरियों को कैसे पूरी तरीके से 3 दिनों के अंदर पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और आपको दर्द और ब्लीडिंग से मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा ही स्पेशल रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। ये जो एरियो की प्रॉब्लम होती है सर्दियों में इंक्रीज हो जाती है, ये जो मैं आज आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ये मेरा अपना रेमेडी है जिससे मैंने अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में जान पहचान में लोगों को बताया और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। यकीन मानिए ये एक ऐसा सीधा और सिंपल सा रेमेडी है जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपनी सर्दी को बहुत ही खुश होकर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एरिया फट जाती हैं तो आपके लिए सैंडल पहनना, हील पहनना, शूज पहनना मुश्किल हो जाता है, जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाता है, ब्लीडिंग कई बार बहुत ज्यादा होने लगती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी इससे आप इस फटी एरियों की समस्या को हमेशा के लिए और पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। एरिया ही नहीं बॉडी के और भी किसी पार्ट में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, सफेद लाइनें खिंच जाती है, पांव में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको किसी भी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट आपके अपने फेस पे, फेशियल स्किन पे सिर्फ उसको यूज ना करें, बाकी आप उसको बॉडी के हाथ पांव कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा सरसों का तेल चाहिए। जी हाँ, 100 ml चाहिए आपको सरसों का तेल। इस सरसों के तेल को आपको क्या करना है कि गैस पे चढ़ा के 5 मिनट के लिए इसका धुआं निकाल देना है। जी हाँ, एकदम कच्चा सरसों तेल नहीं होना चाहिए, उसका धुआं निकाल दीजिए। सरसों तेल के अंदर बहुत सारा विटामिन सी और बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट होते हैं जो जिसमें की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और आपके स्किन को फटाफट हील करता है, रिजुविनेट करता है और नए सेल्स को बना देता है। दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए आपको वैसलीन, मार्केट में मिलने वाला जनरल आम पेट्रोलियम जेली। तो 100 ml चाहिए सरसों का तेल और 50 ग्राम आपको चाहिए वैसलीन। अब क्या करना है कि आपको इस सरसों, जो गर्म किया इस सरसों का तेल, इसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद अब इस सरसों के तेल में हम मिलाएंगे 50 ग्राम वैसलीन। इसको अच्छे से फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक कि ये एक लोशन जैसा होता है इस तरह का थिकनेस, ये आप देख रहे हैं इस तरह का इसमें थिकनेस आ जाएगा। अब आप इसको किसी डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। अब एवरी डे आप 2 बार इस लोशन को अपने पांव पे मास्क के तरह अच्छे से लगा दीजिए। अगर दरारें हैं तो दरारों के अंदर इसको भर दीजिए और भरने के बाद आप सॉक्स पहन लीजिए या किसी गर्म कपड़े से उसको लपेट दीजिए। आधे घंटे बाद हटा दीजिए, आप चाहें तो आप पांव धो सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले ही एप्लीकेशन में आपके जो दर्द हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, एरियों में सूजन आ गई थी, पांव जमीन पे नहीं रखा जा रहा था, उन सब में आपको फर्क आ गया है। और 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो क्रैक हील थी, जिसको कि क्रैक हील कहते हैं, एरियों का फटना कहते हैं, एरियों में ड्राइनेस कहते हैं, दरारें कहते हैं, वो सब आपकी भरनी स्टार्ट हो जाएगी। कब तक लगाना है, जब तक आपको लगता है कि आपके पांव की वो एरिया पूरी तरीके से नॉर्मल, खूबसूरत, एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नहीं हो गई, तब तक आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही है। इसको लगाने के लिए आप 1 साल से लेकर 100 साल के उम्र के किसी भी पर्सन के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको रखना भी बहुत सिंपल है, आप इसको 3-4-5 महीने तक आराम से रख सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर आपने बना लिया और क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है तो इसी हिसाब से आप सरसों का तेल और वैसलीन को इंक्रीज कर दीजिए और इसको स्टोर करके आप बहुत टाइम तक रख सकते हैं। जब तक सर्दी है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो से आपने जो सीखा होगा उसको सीख कर अप्लाई करेंगे, फीडबैक में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं।
और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सबको ये प्रॉब्लम है, सब घर में प्रॉब्लम है। आपके कहने से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जो हफ्ते में 3 बार वीडियो आते हैं उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।